चौहान और स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल माँ का मेन्यू में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे की लेयर वाली मठरी। तो चलिए बना लेते हैं मैदे की लेयर वाली मठरी। मैंने परात में लिया है 1 किलो मैदा, मतलब 1 केजी मैदा। अब हम इसमें से 2 चम्मच मैदा निकाल लेंगे जो कि हम बाद में यूज लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। और 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 1.5 चम्मच नमक डाली है। और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। और अब मैं इसमें मोयन डालूंगी तेल का, लेकिन पहले मैं 1/4 कप ही डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। और मिक्स करने के बाद फिर मैं चेक करूंगी कि मोयन सही है या नहीं। हमने चेक किया और इसमें अभी मोयन कम है, तो हमने जो बचाया था मोयन वो भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर अच्छे से मिक्स करके इसकी मुट्ठी बना के देखेंगे। अब हमने मोयन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी एक मुट्ठी बना के देखेंगे इस तरीके से। अगर ऐसे मुट्ठी बनती है मतलब आपका मोयन एकदम सही है। अब हम इसमें गुनगुना पानी देंगे और इसका एक सख्त आटा लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम सख्त आटा लगाएंगे इसका। अब हमने आटा लगा दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे और फिर हम मठरी बनाएंगे। अब हमने जो 2 चम्मच मैदा निकाला था, अब हम इसमें घी डालेंगे और इसका एक बैटर के जैसे बना लेंगे। अब हमने घी और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरह की कंसिस्टेंसी है। मैंने 2 चम्मच मैदा लिया था और 4 चम्मच घी। अब आटे को 10 मिनट हो चुके हैं और हम इसकी लोई बना लेते हैं। और लोई आप ज्यादा बड़ी ना बनाएं, छोटी ही बनाएं। अब हमने सारी लोई बना ली है। अब हम इसे एक लोई लेंगे और रोटी के जैसे बेलेंगे। रोटी के जैसे बेलेंगे, एकदम पतला पतला कि जो सरफेस है वो नजर आने लगे। अब हमने रोटी को अच्छे से बेल लिया, एकदम पतला पतला कि हमें सरफेस नजर आने लगा है। अब हम इसे कटोरी लेंगे जैसे जो इसकी कॉर्नर है वो तीखे हो, इससे हम छोटे छोटे पूरी के जैसे काट लेंगे। अब हमने कटोरी से काट लिया है और जो एक्स्ट्रा आटा है वो हम उठा लेते हैं। अब हमने सारी पूरी बना ली है छोटी छोटी। अब जो मैदा और घी लिया था वो हम इस पे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसे उंगलियों से फैला लेंगे। आप चम्मच से लगाएंगे तो ज्यादा लगेगा, हमें ज्यादा नहीं लगाना है। इस तरीके से सब पे लगा देते हैं। अब हमने सब लगा लिया है घी इस पे। अब इसे हाफ फोल्ड करेंगे इस तरीके से और फिर हाफ और फोल्ड करेंगे इस टाइप से, बन जाएगी। अब हम इसे चाहे तो हाथ से प्रेस भी कर सकते हैं और चाहे तो थोड़ा सा बेलन से हल्के हाथ से बेल भी सकते हैं। बेल लेंगे और फिर फोक से थोड़ा छेद करेंगे ताकि ये फूले नहीं। अब हमने सारी मठरियां बना ली है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मठरी डाल देते हैं। और मठरी डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। मठरियां ऊपर आने लगी है, मतलब हमारे ऑयल का टेम्परेचर एकदम सही है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हमारी मठरियां लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं।
लीजिए। अब हमारे मैदे की लेयर वाली मटरी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।